देखने में कलेजी लग रही है लेकिन ये स्वीट ही है। ये इसकी जो डो इन्होंने बनाई है ना वो अंडे से बनाई हुई है, तो ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। सर ये राइस होते हैं, ये राइस है, ये मुर्ग पुलाव है, ये राइस होते हैं, इसके ऊपर चने डालते हैं, फिर सलाद डालते हैं, फिर बॉयल किया हुआ चिकन डालते हैं, फिर ये मुर्ग पुलाव बनता है। हाँ जी, जो डायनामाइट सॉस है ना यार, सारा फ्लेवर इसकी वजह से होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज साकिब मुबीन और मैं मौजूद हूँ मुल्तान के अंदर। सदर कैंट का ये एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा फूड सीन चल रहा है, मेरे इस तरफ भी और मेरे इस तरफ भी, मेरे उस तरफ भी और मेरे इस तरफ भी, हर तरफ भाई यहाँ पे फूड सीन चल रहा है। पीछे लाल कुर्ती है, लाल कुर्ती से हम आएंगे सदर कैंट की तरफ। सदर बाज़ार का ये एरिया है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन है ट्राई करने के लिए, लेकिन हम यहाँ से सिलेक्टेड चीज़ें ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे हाजी स्वीट्स पे, उनके तोशे बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, तोशे यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, यहाँ से हम वो तोशे ट्राई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ड्रैगन वॉक, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, छोटा सा रिसेंटली स्टार्ट हुआ है सेटअप, लेकिन साकिब भाई के बकौल कि उनका जो फूड है ना बहुत कमाल का, रीजनेबल चाइनीज़ है। साकिब भाई के बकौल वो, उनके पास वहाँ पर जाके चाइनीज़ ट्राई करेंगे, लेकिन हम बाहर स्ट्रीट स्टाइल में उसको ट्राई करेंगे, बाहर थड़े पर बैठ के रख के नीचे। और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे भट्टी का मुर्ग पुलाव। जब आप मुल्तान में आते हैं तो मुल्तान में आपने कुछ चीज़ें मिस नहीं करनी, उनमें से एक पुलाव है, वो आपको जहाँ से मिले आप ले लें, तकरीबन सबका एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे इस एरिया के अंदर सबसे पुराना जो है वो भट्टी का है। भट्टी से जो है हम जाके मुर्ग पुलाव ट्राई करेंगे। तो अभी पहले पॉइंट पर चलते हैं हाजी स्वीट से, वहाँ से उनके तोशे ट्राई करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, मैं कैमरा अपने सिर पर मार रहा हूँ। यार इसकी लोकेशन बड़ी सिंपल है, ये सामने लाल कुर्ती का एरिया है। लाल कुर्ती से आप आएंगे सदर बाज़ार की तरफ, कैंट का एरिया, यहाँ पर जब आएंगे बाज़ार चौक क्रॉस करेंगे तो आपके राइट साइड पर ये पॉइंट है हाजी स्वीट्स का। हाजी स्वीट्स तोशे वाले, इनके पास चलते हैं। ओए ये तोशे हैं, ये क्या चीज़ है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तोशे हैं। ओए होए होए, ऐसे लग रहे खजूरें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल, ठीक ठाक हैं आप? अच्छा भाई साहब, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 45 1947 से है। अच्छा माशाल्लाह, ये किस तरह किलो हैं जी? 700 रुपये किलो हैं। तो कम से कम कितने के मिलते हैं? 10 रुपये के। अच्छा, इनसे जो है ना हम ले लेते हैं, लेके जो है ना हम यहीं पे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बस बैठने का कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर आपने यहाँ से आके लेने हैं तो आपने उसको पैक करवा के लेके जाना है घर पे। यार ये जो है ना, ये असल में ये होते हैं तोशे, ये देखने में कलेजी लग रही लेकिन ये स्वीट ही है, ये गुलाब जामुन की तरह के बने होते हैं, लेकिन अंदर से भी भाई बाहर और अंदर एक जैसा कलर है इसका, भाई डिफरेंट चीज़ है। इसकी खुशबू बड़ी कमाल की है, क्योंकि देसी घी में बना हुआ है, वो अच्छा एरोमा है इसका, इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओए होए होए, इसमें ना एक चीज़ बड़ी यूनिक है, ये देखो ये जो पड़े हुए ना, जो ट्रे में पड़े हुए हैं, ये शीरे में डिप नहीं हुए हुए, लेकिन इसके अंदर तक शीरा जज़ब हुआ हुआ है। ये देखें, अंदर तक इसका शीरा जज़ब हुआ हुआ है। जब आप इसको दबा देंगे, देखो ये देखो, ये फुल शीरे से भरा हुआ है भाई, बड़ी डिफरेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा टेक्सचर गुलाब जामुन जैसा, लेकिन फ्लेवर थोड़ा सा चेंज है। टेस्ट इनका बहुत कमाल का है, बस ये थोड़ा सा बिहेवियर का इशू है इनके साथ। बाबा जी अच्छे थे, जो अंदर ऑनर बैठे हुए थे, जो भी कारीगर बैठे हुए थे वो अच्छे इंसान थे, जो भी बाकी जो ऑनर्स हैं उनको थोड़ा सा ना बिहेवियर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एनीवे तोशे आगे बहुत कमाल के हैं, इसके अलावा यहाँ से कहीं से मिलते भी नहीं है ना ये, नहीं मिलते, तो इसलिए यही पॉइंट है। अगर आपने मुल्तान में आकर तोशे ट्राई करना है तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं ड्रैगन वॉक पे, वहाँ से जाकर उनका हम चाइनीज़ ट्राई करते हैं। रिसेंटली स्टार्ट हुआ है वो सेटअप, लेकिन उनका फूड बहुत कमाल का और इकोनॉमिकल है, इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं साकिब भाई के कहने पर। जी जरूर डन। अच्छा यार यही बाज़ार है सेम, आप पीछे से आएंगे लाल कुर्ती से आएंगे सदर बाज़ार की तरफ, तो यहाँ पे आगे आके आपके राइट साइड पर यह बाबर मुर्ग पुलाव आएगा, और लेफ्ट साइड पर आपका आएगा ताज इलेक्ट्रॉनिक्स। ताज वाली गली में अंदर जाएंगे, यहाँ पे ये दरख्त है ना ये वाला, इसके नीचे पॉइंट है, यहाँ चलते हैं अभी इनके पास। ये यार जैसे मैंने बताया ना, ये दरख्त है और ये दरख्त के नीचे ना ये ड्रैगन वॉक ये सेटअप है, इनके पास चलते हैं। यहाँ से हम बैठ के जो है ना, यहाँ पे बाहर ही बैठ के ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। सेटअप है, ओह माशाल्लाह भाई, ये पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ। अच्छा ये इनका किचन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? मैंने आपका ना चाइनीज़ के बारे में सुना है साकिब भाई से, और वो बता रहे हैं कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ ही है, लेकिन इन्होंने भाई पूरे मुल्तान को इन्होंने हिला के रखा हुआ है एक दफा। अच्छा अच्छा, आपको एक्सपीरियंस है वैसे? तकरीबन 19 साल हो गए, 20वां साल है। आप मुझे टोटल 20 साल के लग रहे हैं। उम्र चोर। अच्छा सही है, सही माशाल्लाह। तो क्या क्या होता है आपके पास? चाइनीज़ और थाई है। सारी कुकिंग वगैरह आप खुद ही करते हैं? अपनी सुपरविजन में आप सारा काम करवाते हैं? अच्छा मुझे बताएं आपने सीखा कहाँ से है सारा? मैंने मुल्तान से भी सीखा, लाहौर से भी सीखा, और जो
چائنیز شیف وغیرہ تھے ان کے ساتھ بھی میں رہا ہوں. ہمارے یہاں پہ تو زیادہ تر مکس اپ چلتا ہے نا, چائنیز تھائی مکس چلتا ہے. یہاں پہ تو دیسی چائنیز ملتا ہے. جی جی جی, ٹوٹلی ہمارا مینیو آپ کے اوپر ہے. چلیں ٹھیک ہے, بناتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, یہ چکن ہے, چکن ویجیٹیبل ہے. ٹھیک ہے, یار یہ ہمارے سامنے جو ہے نا سارا مینیو آ گیا ہے. بہت زیادہ ہم اصل میں نا زیادہ لوگ ہیں, اسپیشل بھائی ہمارے لیے, ہم نے انگلینڈ سے ڈاؤن لوڈ کروائے ہیں, کھائیں گے سارا. یہ میں صرف ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا. یہ ہے جی ہمارے پاس کرسپی ہنی چکن. یہ ہے جی 19B سوپ ہے. یہ ان کے پاس ایگ فرائڈ رائس ہے, اور ساتھ میں یہ جو ہے نا یہ ہے کیشو نٹ چکن ہے, ساتھ میں یہ ہمارے پاس چاؤمین ہے اس کے ساتھ. اور یہ ہے جی ان کا ڈائنامائٹ چکن ہے. یہ ویسے جو ڈائنامائٹ چکن ملتا ہے نا وہ چنکس بنے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بائٹس بنی ہوتی ہیں. انہوں نے پوری یہ نا ایک شیشلکس ٹائپ سے ایک بنائی ہوئی ہے پوری. یہ دیکھیں پوری اسٹک ہے. اور یہ ہے جی ہمارے پاس شرمپس, اس کو باری باری ٹرائی کرتے ہیں. اچھا یہ ثاقب ہو چکے ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں. ہاں جی یہ میرا فیوریٹ ہے. یہ آپ کا فیوریٹ ہے, پہلے میں یہ ٹرائی کرتا ہوں. یار یہ ساس ہے نا اس کی, یہ بڑی مزے کی لگ رہی ہے مجھے. تھوڑی میٹھی میٹھی ہنی, کیونکہ ہنی چکن ہے, وہ میٹھی میٹھی ہوگی بسم اللہ. میٹھا میٹھا لائٹ سا فلیور ہے چکن کا, لیکن جو سارا فلیور ہے اس کا مین سارا فلیور وہ ساس کا ہے, اور ساس تھوڑی میٹھی زیادہ ہے. یہ ہے جی ان کے پاس پران چلی ڈرائی ہے. جھینگا ہے بھائی, تھوڑا سا اسپائسی ہے. اگر آپ کو اسٹریٹ اسٹائل میں چائنیز چاہیے, یا اگر آپ کو اکنامیکل پرائسز میں چائنیز چاہیے جو آپ پسند کریں, یہ آپشن بہت بیسٹ ہے اس کے لیے. جتنے بھی فلیورز ہیں تھوڑے سے اسپائسی ہیں, تھوڑے سے پنچنگ فلیورز ہیں, اور کک بڑی اچھی کک آتی ہے. جو بھی انہوں نے جنجر اس کے اندر یوز کیا ہوتا ہے یا گارلک کہیں پہ بھی یوز کیا ہوتا ہے, اس کی کک بہت کمال قسم کی آتی ہے اس کے اندر. یہ جو شرمپس ہیں نا اس کے اندر اسپائسیز تھوڑی تیز ہیں, تھوڑی مطلب اچھی مرچیں ہیں اس کے اندر, لیکن ہے یہ چیز مزے کی ہے. یہ ان کا 19B سوپ ہے بھائی, یہ ٹرائی کر لیتے ہیں. یہ او ہو یار یہ ان کا سگنیچر سوپ ہے. کسی بھی ریسٹورینٹ کے اندر سگنیچر سوپ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے, وہاں پہ جتنی بھی آئٹمس ہوتی ہیں نا ان کے پاس ساری ڈال دیتے ہیں اس کے اندر, اور وہ ایک سگنیچر بن جاتا ہے. کیونکہ ہر کسی کی ریسیپی اپنی اپنی ہوتی ہے, تو کسی بھی اگر آپ چائنیز ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نا ان سے آپ اسپیشل سوپ اگر منگواتے ہیں تو اس اسپیشل سوپ کے اندر شرمپس بھی ہوتے ہیں, چکن بھی ہوتا ہے, اور جو جو مشرومز وغیرہ ان کے پاس ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی سیم یہی چیز ہے کہ یہ جو سوپ ہے نا, یہ جو سوپ ہے اس میں شرمپس بھی ہیں, اس میں چکن بھی ہے, اس میں مشرومز بھی ڈالے ہوئے انہوں نے, بلیک مشرومز اور جو جو بھی مشرومز ان کے پاس اویلیبل ہے سب کچھ انہوں نے ڈال دیا. اس کو ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ. اوے ہوئے بھائی بہت ملے گا. چکن کا فلیور الگ آ رہا ہے, اس میں شرمپس ہیں نا ان کا فلیور الگ آ رہا ہے. یار 260 کا ہے یہ, لیکن اس کی سرونگ کے حساب سے اور جو اس کا فلیور ہے نا اس حساب سے بہت اکنامیکل چیز ہے. اگر آپ کو سوپ اچھا لگتا ہے, گھر سردیاں آگے چونکہ آ رہی ہیں, تو یہ اس حساب سے بہت فٹ چیز ہے, کیونکہ گرم بھی ہوگا اور یہ آپ کو انرجی بھی اچھی دے گا. مونگ پھلی اوپر ڈلوانا چاہے یا نہ ڈلوانا چاہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر میرے سے پوچھتے تو میں نے ڈلواتا, لیکن انہوں نے میرے سے پوچھے پکا ڈال دیے. مونگ پھلی ڈال کر چیز کا فلیور خراب ہو جاتا ہے بھائی. بہت کمال کا سوپ ہے یار. بہت آ رہا جو ہمارے ریگولر سوپ ملتا ہے نا, چکن کارن سوپ یا ہاٹ اینڈ سور سوپ, اس سے بہت ڈفرینٹ ہے یار. یہ جو ہے نا یہ دیکھو, اچھا سب سے اچھی بات جو ہے نا, یہ جو نوڈلز انہوں نے یوز کیے ہوئے نا یہ والے, یہ ہیں اچھی کوالٹی کے نوڈلز. یہ ہینڈ میڈ ہے. ہاں یہ جو ہے نا مارکیٹ میں نہیں ملیں گے, خود انہوں نے نوڈلز بنائے ہیں. خود سے آپ نے وہ میدا لے کے اور سارا خود بنایا ہوا ہے. ایگ نوڈلز ہیں. اس کی جو ڈو انہوں نے بنائی ہے نا وہ انڈے سے بنائی ہوئی ہے, تو یہ فوڈ سپلیمنٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کے بچے کچھ نہیں کھاتے نا, انڈے انڈے نہیں کھاتے, تو آپ ان کو یہ کھلا دیں. میں سمپل ٹرائی کرتا ہوں اس کو بعد میں. اس کو یار بہت کمال ہے.
यार ये ओवरऑल ना बड़ा मजे का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। दो गाल ले चुके हैं। अच्छा तो जरा इस तरह से कंपनी का शिकार हो रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। सात सौ ना एक्सोडस वाला अब तो अपना बन गया वो दी ओरिजिनल जो डायनामाइट सॉस है ना यार सारा फ्लेवर इसकी वजह से होता है। अंदर जो है सिंपल फ्राइड चिकन है और ये जो ऊपर सॉस है ना ये खाली डायनामाइट सॉस नहीं, इसके ऊपर उन्होंने मैं खाली केचप वगैरह भी डाली हुई है, रेड सॉस भी स्पेशल डाली हुई है, उसके साथ इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज है लेकिन सारा फ्लेवर डायनामाइट सॉस का ही होता है इसके अंदर। और ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने मतलब डिफरेंट चीज़ है कि इन्होंने इसको स्टिक के ऊपर दिया हुआ है, वैसे चंक्स मिलते हैं इसके। अगर आपने अच्छे पैसों में चाइनीज खाना ना यहाँ पे मुल्तान के अंदर ये ऑप्शन बड़ी कमाल की है। अच्छा यार यहाँ पे हमने भाई बहुत कमाल का चाइनीज है। सबसे अच्छी बात ये है कि इकोनॉमिकल है, अगर आपको अच्छे पैसों में थोड़े पैसों में अच्छा फूड खाना है, पेट भर के खाना है, रेस्टोरेंट वाली वाइब से खाना है तो ये चाहिए। जगह बहुत कमाल की भाई, रिसेंटली ओपन हुआ है लेकिन कमाल का टेस्ट है बहुत ज़्यादा। बंदे का अखलाक भी बहुत कमाल का यार, ये जो समी भाई है ना एक तरफ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। अभी बहरहाल हम जा रहे हैं भट्टी का मुर्ग पुलाव खाने के लिए। यहाँ पे जो है ना सीन भाई ये है कि इस रोड के ऊपर ये बाज़ार का रोड है, सदर बाज़ार का रोड है और यहाँ पे पुलाव वाली बहुत सारी शॉप्स हैं। कोई 5-6 पुलाव जो है ना ये इसको 100 मीटर के अंदर अंदर ही हैं, लेकिन हम सबसे पुरानी वाली भी जाएंगे जो भट्टी है उसके पास चलते हैं अभी। अच्छा जी अभी हम आ गए हैं भट्टी मुर्ग पुलाव पर। मेरी बैग पर आपको जो पॉइंट नज़र आ रहा है ये जी भट्टी मुर्ग पुलाव, ये इनका पुलाव जो है ना यहाँ पे सबसे पुराने यही है इस पूरे बाज़ार के अंदर। और इनके पुलाव के अंदर ना स्पेशल चीज़ है बिल्कुल, ये एक ट्रेडिशनल पुलाव नहीं है, जो आम यखनी पुलाव था वो नहीं है। तड़के वाले चावल होते हैं उसके ऊपर ये चने डालते हैं और उसके ऊपर ये शेडेड चिकन डालते हैं और थोड़ा सा सैलड डाल के डिफरेंट तरीके से इसको तैयार करते हैं। लेकिन चूँकि सबसे पुराने यही हैं यहाँ पे, वैसे भी ये भी पुलाव है जो आपको नजर, ये भी पुलाव वाली शॉप है। आगे यहाँ पर भी पुलाव वाली शॉप्स हैं, काफ़ी सारी पुलाव वाली शॉप है, लेकिन अभी हम इनके पास चलते हैं। इसकी लोकेशन है समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी है, वही रोड है जो सदर बाज़ार से लाल कुर्ती से सदर बाज़ार की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आगे आएंगे तो ये बाबर आएगा राइट साइड पे। यहाँ से अभी यहाँ से ताज इलेक्ट्रॉनिक्स वाली गली से हम यहाँ से अभी ड्रैगन वॉक खा के आए हैं, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे आपके लेफ्ट पे दूसरी शॉप है भट्टी मुर्ग पुलाव, इनके पास चलते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम अजन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? आरिफ भाई। अच्छा जी आरिफ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपके पास स्पेशल, मैंने सुना है कोई पुलाव होता है तड़के वाले चावल होते हैं उसमें चने चने डालते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसी है, सलाद चिकन वगैरह डालते हैं। सलाद चिकन डालते हैं? अच्छा, तो कितना पुराना चल रहा है आपका सेटअप? तकरीबन कोई 50-60 साल, ये 60 साल हो गए, मेरे दादा के दौर से चलता आ रहा है। अच्छा, ये भट्टी आपके दादा? मेरे दादा अब्दुल अजीज भट्टी थे, फिर मेरे वालिद साहब थे जावेद भट्टी, हम उनके बेटे हैं। टाइमिंग क्या है, कब शुरू करते हैं आप? हम सुबह 7 बजे शुरू करते हैं और रात को 9 बजे बंद करते हैं। सुबह 7 से 9? अच्छा, मतलब सारा दिन नाश्ते से लेके दोपहर का खाना और रात का खाना सब आपको? और है सिर्फ ये पुलाव ही? मुर्ग पुलाव है और बस, स्पेशल यही है हमारे पास, नान चने भी होते हैं सर। ये राइस होते हैं? ये राइस, ये मुर्ग पुलाव है? ये राइस होते हैं, इसके ऊपर चने डालते हैं, फिर सलाद डालते हैं, फिर बॉयल किया चिकन डालते हैं, फिर ये मुर्ग पुलाव बनता है। हाँ जी, ये देखें, ये चने कितने की प्लेट है? 140 की प्लेट है, 180 की है और 220 की। फर्क क्या है इनमें? क्वांटिटी का फर्क है, क्वांटिटी का फर्क है। अच्छा, अगर एक बंदे ने खाली हो तो उसके लिए कौन सी सही रहेगी? मतलब एक बंदा नॉर्मल सी खाना चाहता है, अगर स्मॉल सही रहती है, स्मॉल सही रहती है, पेट भर जाता है। हाँ जी। चाहिए श्रेडेड चिकन है? हाँ जी, बॉयल बॉयल किया हुआ है, कोई मसाले वगैरह तो डाले? नहीं नहीं नहीं, सिंपल बॉयल चिकन, सिंपल बॉयल चिकन है। यार चावलों की खुशबू बड़ी कमाल आ रही है माशाल्लाह, ये है बात इसके अंदर। सैलड है ये? मूली और प्याज है? हाँ प्याज। हाँ जी ठीक है, ये टमाटर भी आएगा? खुली पड़ी है दो। अच्छा, पूरी ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं भाई आप? अंडा भी उठा के डाल दो। ये आ गई जनाब हरी मिर्च है। अच्छा, ये उबला हुआ अंडा है? जी ये अंडा ही। ठीक हो गया, तो ये चिकन आएगा? जी स्पेशल मसाला है आपका? ये काली मिर्च है। काली मिर्च है? ओहो ओ माशाल्लाह, ये तो आपने चनों का सैंडविच बना दिया पकड़ के, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक हो गया, ये कितने की प्लेट है? ये 220 की प्लेट, 220 वाली, इसमें अंडा डाल के सारा कुछ मिला के 220 की प्लेट बनती है। ठीक हो गया जी, जो जी ये प्लेट है चावलों की, ये हम ट्राई करते हैं। यार ये जो है ना सिंपल सा मुर्ग पुलाव है, लेकिन ये दोपहर में ना इनके पास, मैंने सुना इनके पास दोपहर में बहुत रश लगा होता है यहाँ पे और लाइन वगैरह लग, मतलब काफ़ी रश होता है, भरा होता है सारा एरिया। लेकिन ये जो चीज़ है ना भाई, ये देखो ये पूरा इन्होंने पहाड़ बना के दिया है। ओह यार ये बहुत मज़े की चीज़ लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें ना जो चावल खाली जब चावल डाल रहे थे ना, तो चावलों की जो खुशबू आ रही थी ना, वो भी बड़ी कमाल की थी। यार ये सिंपल सी, इसकी बाइट ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अंडा आ जाएगा, थोड़े से चने आ जाएंगे, चिकन आ जाएगा और ये सारा कुछ मिक्स करके इसकी एक सिंपल सी बाइट ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। यार ये बड़ा ना डिफरेंट सा फ्लेवर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है ना वो प्याज का आ रहा है, क्योंकि प्याज इन्होंने ऊपर डाला हुआ और प्याज कच्चा है,
کچے پیاز کا فلیور اوور پاورنگ ہے بہت زیادہ. باقی جو انڈا ہے نا, انڈے کا اس بائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. انڈا آپ نام بھی ڈلائیں تو آپ کو فلیور آئے گا. چکن ابلا ہوا ہے, چکن کے اندر خاص فلیور نہیں ہے. اسپائسی تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ اوپر انہوں نے کالی مرچ ڈالی ہے اس کے اندر. ٹوٹل دو چیزوں کا فلیور بنتا ہے. اگر آپ نے یہاں سے آ کے اس کو ٹرائی کرنا نا, تو میرا مشورہ یہ ہے سمپل چاول ڈلوائیں, چاول کے اوپر چنے ڈلوائیں. ٹوٹل جو فلیور ہے نا اس کے اندر سب سے مزے کا فلیور ہوگی ان دو چیزوں کا, یہ چنے اور یہ چاول. بس چکن ڈلوائیں نہ ڈلوائیں مرضی آپ کی, لیکن چکن ساتھ دیتے ہیں فری تو مسئلہ نہیں ہے. باقی چیز بہت کم آ گئی یار, بہت لائٹ ہے. اور ملتان کی نا اسپیشلٹی ہے, ملتان میں آپ کو یہاں پہ چاول بہت کمال کا ملے گا. چاول چنے یہ اس جگہ کی نا ایک اسٹیپل فوڈ ہے اس جگہ کا, ساؤتھ پنجاب کا چاول چنے, چاول چھولے جسے بولتے ہیں. یہاں پہ چونکہ پلاؤ کے نام سے چل رہا ہے لیکن ہے یہ اصل میں چاول چھولے ہی ہے. تو یہ چیز نا یہاں پہ بہت کمال کی ملتی ہے آپ کو. ملتان میں آ کے کوئی بھی پلاؤ کھا لے آپ کو مزے کا لگے گا. اوکے یار, یہاں سے ہم نے چاول چاول ٹرائی کر لیے ہیں. ان کے چاول بڑے سمپل سے ہیں لیکن بہت مزے کے ہیں. اگر ملتان میں آپ نے ٹرائی کرنے آپ سے یہاں سے ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن یخنی پلاؤ نہیں ہے, یہ تڑکے والے چاول ہی ہیں. اور تڑکے والے چاول کے اوپر انہوں نے چنے ڈالے ہوئے ہیں اور اچھا ایسا ایسا فلیور بن جاتا ہے جیسے چنا پلاؤ کھا رہے ہیں آپ. تو لیکن چکن چونکہ ابلا ہوا ساتھ ہوتا ہے تو ہلکا ہلکا فلیور چکن کا بھی آتا ہے, لیکن زیادہ اس کی جو سائڈ ہے نا, جو فلیور کی سائڈ ہے وہ زیادہ بن رہی ہے. چاول چنے چنا پلاؤ جو بنتا ہے اس کی طرف بن رہا ہے اس کا فلیور زیادہ. تو یہ ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی ملتان کے بارے میں, جس میں سب سے جو مین ہماری اٹریکشن تھی نا اس ویڈیو کے اندر وہ ڈریگن ووک کا چائنیز تھا. بہت کمال چائنیز ہے یار. اگر آپ نے ملتان میں, آپ کو پھر اتاروں, اگر آپ نے ملتان میں اچھا چائنیز کھانا ہے پیٹ بھر کے کم پیسوں کے اندر, مناسب پیسوں کے اندر, تو آپ ڈریگن ووک سے ٹرائی کر سکتے ہیں. وہاں کے آنر نے بھی یہ بتایا کہ ہم نے پیسے نہیں بنائے, ہم لوگوں کو اچھا کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں. دو سال پہلے بھی وہ بائک پہ تھا, آج بھی وہ بائک پہ ہی ہے. پیسے نہیں کما رہے, وہ کھلا رہے ہیں. تو جب کوئی اچھا کھانا کھلا رہا ہے نا آپ کو, تو بھائی ادھر کھا لو جا کے. یہ ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. ویڈیو آتے فوراً دیکھ لیا کریں. دس از مائی انسٹاگرام, ڈونٹ فورگیٹ ٹو فالو مائی انسٹاگرام. آپ سے گپ شپ ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے انسٹاگرام کے اوپر. لائیو جاتا ہوں انسٹاگرام کے اوپر. آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور یہ فوڈیز آف ملتان کمیونٹی کو بھی اجازت دے دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھک گیا میں یار. اللہ حافظ.